सामने चिकनी भजनों का दूसरा यानी द्वितीय दौर जारी है। हर कलाकार आपके सामने अपनी कलाकारी का बड़े अच्छे तरीके से प्रदर्शन कराते हुए जा रहे हैं। सबसे प्रथम सबसे पहले पूजा डागुड़ जटारी की तरफ से आपके श्री चरणों में नमामि नमस्कार और राम राम साहब। गौर करिएगा, सुबह का समय है, कवि ने एक दोहे के माध्यम से, एक कवित्व के माध्यम से इस समाज के लिए एक चेतावनी भेजी है। विचार करिए भैया धर्मवीर जी, किस तरीके से क्या कह रहा है कवि। के कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जग रहा और कौन रहा है सो। जब कहा वो ईश्वर जग में एक है और चंदा सूरज दो, और पाप जगत में जग रहा और भैया धर्म रहा है सो। सजनों, सुबह का समय, दोनों हाथों ने खोले साहब कछु स्रोतन ने नींदारी ओंघरे दिखरे मुस। एक बार अपनी अपनी जिभ्या को पवित्र करते हुए दोनों हाथों को खोलकर एक प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलो गिरिराज महाराज जय। और आइए, जैसा हमारी निर्णायक कमेटी का आदेश हुआ, शुद्ध जिकड़ी और जिकड़ी की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ साखी से होते। बाबा साहब साखी को आध्यात्म की ओर ले जाएं, चेतावनी समझें। और धर्मवीर भैया क्या लिख रहा है कभी, आज हो सत्कार रे तेरे मन की भैया और बहना देखे ऐसी कह रहा। ओ, 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 ओ।
जड़ाम क्या कह रहा चाचा जी, कहा से दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद आपने आए दिए, पहले नंबर पर दिए भैया। कह रहा है कभी क्या छोड़कर गई थी। गौर करिएगा, आज मैया पार्वती ने चांडालन का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे एक लकड़ी का बोझा तैयार किया, अर्थ में जवाब दिया कि कैसे इतना बोझ उठेगा। ला भैया, राजा हरिश्चंद्र को देखा,
रथ को रोक लिया। महाराज आपसे एक छोटा सा काम है, एक विनती है, एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है। जवाब दिया कि कैसे इतना बोझ उठेगा, मन चिंता लग रही गाड़ी है, अरे राजा आमत देख वाके आगे है गई। क्या हाथ जोड़ के चंडा लेने, अरे हाथ जोड़ के चंडा लेने, और बाबा नरपते बचन उचारे और सुन राजा घोड़ा। आज मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया और मराठी आर्य साहब जिकड़ी की और जवाब दे रहा भैया धर्मवीर कभी क्या। और कह रही अबुला और सुन ले राजा, और इतना काम और हमारा है, और मेरे बोझ शीश पे भैया, और मेरे बोझ शीश पे, और मेरे बोझ शीश पे, और धरवाए दे मोय तनक सहारो है। देखो आप सुस्ती में आ गए, कलाकार पहले आ जाएंगे, बैठ के आनंद लीजिएगा जिकड़ी भजनों का। लिख रहा है कवि, आशीर्वाद की कामना करूंगी हमेशा। कह रहा है कभी क्या लाओ साहब, अरे राजा रंग के समान करे करे, वो समस्या नसी को कहते, और पार लगा दे पार लगा दे। भगवान उसी